लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। जब निमिषा 8वीं में थी, तब उसके पिताजी उसका पढ़ाई बंद कर दिए, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी पढ़ाई के बहाने कॉलेज में किसी से प्यार करने लगी थी और फाइनली उसके साथ भाग के शादी कर ली थी। इतने पैसे वाले नामी दामी परिवार से होने के बाद भी निमिषा के पिताजी बेटी के पढ़ाई के खिलाफ हो गए थे। पापा, मुझे आगे और पढ़ाई करनी है, मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, फिर मैं क्यों माँ के साथ मिलके घर का काम करूँगी? नहीं निमिषा, मैं तुम्हें आगे और पढ़ाई करने नहीं दे सकता। बेटी ज्यादा पढ़ लिख ली तो ससुराल में जाकर कोई काम धंधा नहीं करेगी और मायके का नाम कटवा देगी। ऐसी बात नहीं है पापा, आप माँ तुम समझाओ ना पापा को कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा एकदम सही बोल रहे हैं। निमिषा एक बात बोलो, तुम्हारी दादी पढ़ी लिखी थी क्या? मैं भी तो 8वीं तक पढ़ी हूँ, फिर तुम ज्यादा पढ़ के क्या कर लोगी? हाँ, क्या तुम्हारी दादी सुकून से अपनी जिंदगी नहीं बिताई? मुझे ही देख लो, क्या कुछ नहीं है हमारे घर में। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से, तुम भी ठीक ऐसे ही अपने ससुराल में खुशी से रहोगी। निमिषा खुद के लिए लड़ाई करने उम्र में बहुत छोटी थी और उसके माँ पापा उसके दिमाग में ये बात डाल दिए थे कि पढ़ाई करने से लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं, इसलिए उन्हें घर के कामकाज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समय के साथ निमिषा बड़ी होती गई, घर का काम धंधा सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकती थी वो, पर जब भी अपने बचपन के सहेलियों को देखती थी बड़ी दुखी हो जाती थी। फिर एक दिन, अरे टीना, तूने ये स्कूटी खरीदा है क्या? हाँ निमी, खरीदना पड़ा, मेरी नौकरी लग गई है ना, रोज अपने स्कूटी में आने जाने में अब मजा आएगा। बहुत अच्छा, और सौंदर्य का क्या हालचाल है? सौंदर्य, अरे वो तो कब का मुंबई शिफ्ट हो गई, तुझे नहीं पता? शायद तू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता और पापा भी मना करते हैं ना। वैसे सौंदर्य मुंबई शिफ्ट हो गई, क्यों? अरे क्यों क्या, वो तो बचपन से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, अब गई है प्रिपरेशन करने। वैसे तुझे ये सब कहां से समझ आएगा, छोड़ जाने दे। तू बता, तेरा क्या चल रहा है आजकल? शादी की बात चल रही है, माँ पापा बोले हैं इसी साल जैसे भी करके मेरी शादी करवा देंगे। निमिषा तू तो पढ़ाई की नहीं, पर एक बात ध्यान रखना, एटलीस्ट शादी किसी पढ़े लिखे लड़के के साथ ही करना, नहीं तो बच्चे गवार पैदा होंगे। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय। टीना मेरी मजाक उड़ा के चली गई, कितना चाहती थी पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, पर पापा तो मेरे सपनों पे पानी फेर दिए। दीदी घर से क्या भाग गई, उसकी सजा तो मुझे ही मिली। खैर, अब मुझे एक बहुत पढ़े लिखे घर में शादी करनी है, ताकि वो लोग मेरे सपने को पूरा करने में मदद करें। निमिषा घर वापस आकर अपने पापा से सीधा सीधा इस बारे में बात करने लगी कि उसे किसी भी तरह से एक पढ़े लिखे घर में ही शादी करनी है। पढ़े लिखे घर में शादी करोगी तो वो भी चाहेंगे कि उनकी बहू पढ़ी लिखी हो, फिर? मुझे वो सब नहीं सुनना पापा, आप पढ़े लिखे घर में मेरी शादी करवाएंगे तभी जाकर मैं मानूंगी, नहीं तो मुझे जो भी देखने आएगा उन्हें मैं सीधा सीधा मना कर दूंगी शादी के लिए। निमिषा की शादी की बात बहुत बड़े बड़े खानदान में चलने लगी, पर जब भी कोई ये सुनता था कि लड़की बस 8वीं तक पढ़ी है, हर कोई चुपचाप वहां से निकल जाता था। निमिषा भी इसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। फिर एक दिन शहर से एक रिश्ता आया, ससुराल वाले निमिषा को देखने उनके घर पहुंचे। आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है,
ऊपर से आपके खानदान में कौन शादी करवाना नहीं चाहेगा। पर आपको तो पता है कि मेरा बेटा एमटेक किया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ ही हो। पर आपने तो बायोडेटा में लड़की के एजुकेशन का कोई मेंशन ही नहीं किए थे, इसीलिए मैं ग्रेजुएशन की हूँ होम साइंस में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें ये शादी के लिए कोई एतराज नहीं। निमिषा झूठ बोल के अपनी शादी तो पक्की कर ली, पर उसके मन में एक डर बैठ गया था कि अगर ससुराल जाने के बाद सबको पता चल गया कि वो बस आठवीं तक ही पढ़ी है तो वहाँ पे सबका बर्ताव उसके साथ जरूर बदल जाएगा। फिर क्या पता अगर उसका पति उसे छोड़ दे तो। देखते ही देखते शादी की दिन भी आ गई और निमिषा माँ पापा से विदाई लेकर अपने पति के साथ शहर अपने ससुराल चली गई। भाभी मुझे पता है आज का दिन बहुत टायरिंग रहा होगा आपके लिए, सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाँ क्या कहा आपने? अरे आई सेड हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाँ हाँ अभी अभी तो आई हूँ, घर का काम सब जानती हूँ मैं, चिंता की कोई बात नहीं। व्हाट? ओके आप रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। ये क्या बोल रही है तू सौम्या? तेरी भाभी? मॉम मुझे लगता है भाभी इंग्लिश नहीं समझती, मैंने उन्हें पूछा हाउ आर यू फीलिंग नाउ तो बोल रही है कि वो घर का सारा काम जानती है, चिंता की कोई बात नहीं। अरे वो टायर्ड होगी, ऊपर से ससुराल में आने के बाद हर एक लड़की नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो इधर उधर कुछ भी बोल रही होगी। छोड़ वो सब, तू जा उसे एक ग्लास जूस दे आ। मुझे मन नहीं है मॉम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही दे आती हूँ। बहू ये लो जूस पी लो, तुम्हें एनर्जी मिलेगा। जूस? किस फल का जूस है माँ जी? एवोकाडो, इट्स गुड फॉर हेल्थ, पी लो। ठीक है। निमिषा जूस पीने के बाद सास के साथ बातचीत में लग गई। वाह बहू तुम इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना जानती हो। जी माँ जी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं तो कभी बच्चों के लिए ध्यान से खाना बना ही नहीं पाई, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं स्कूल में टीचरशिप करती थी, स्कूल से आने के बाद बहुत टायर्ड हो जाती थी मैं, इसीलिए एक कुक रख लिया था, वही सब बनाती थी बच्चों के लिए। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे बहू आज शादी में तुम्हारी कोई दोस्त नहीं आए थे? माँ जी वो क्या है ना, मेरे सारे दोस्त बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, गांव में कोई है ही नहीं। ओह अच्छा, वैसे तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो? मैं तो हमारे घर के पास वाले कॉलेज से पढ़ी हूँ, जहाँ पे टीना मेरी दोस्त पढ़ती थी। अच्छा तो आगे चल के तुम्हारा क्या प्लान है? प्लान? मुझे क्या पता माँ जी, जैसे आपके बेटे कहेंगे वैसे ही प्लान करनी है। वैसे तो आजकल हर कोई एक दो साल के बाद ही बच्चे का सोचते हैं। हाँ बच्चे का? ओके तुम आराम करो बहू, मैं चलती हूँ। निमिषा के आंसर से सास और ननंद दोनों कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें डाउट हो गया था कि निमिषा शायद पढ़ी लिखी नहीं है, पर ये भी सोचते थे कि इतने बड़े खानदान की बेटी और पढ़ाई नहीं की होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर रात को जब निमिषा का पति अमृत उसके पास गया। अरे निमिषा क्या हुआ, आर यू ओके? लगता है शादी का खाना खाकर उल्टी हो रही है मुझे। मैं मॉम को बुलाता हूँ, अगर उनके पास कोई मेडिसिन होगा तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं नहीं माँ जी को मत बोलिए, खामखा परेशान हो जाएंगे, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो तुम सो जाओ, फिर अच्छा लगेगा तुम्हें। पति का कहा मानकर तब तो निमिषा सो गई। फिर आधी रात को। अरे निमिषा कहाँ गई? निमिषा निमिषा
कहाँ हो तुम निमिषा? ओह माय गॉड। अमृत निमिषा को ढूंढते हुए जब बाथरूम तक पहुंचा तो वहां पे वो बेहोश पड़ी थी। देखिए अमृत जी, आपकी वाइफ को फूड पॉइजनिंग हुआ है और साथ में एलर्जी भी। क्या इनका किसी स्पेसिफिक फूड आइटम से एलर्जी है? वो तो मैं नहीं जानता डॉक्टर, आज ही हमारी शादी हुई है मॉम। हाँ, वो हमारे घर पे आने के बाद कुछ भी खाने से इनकार कर दी। मैंने उसे बस एवोकाडो जूस दिया था ताकि उसका पेट भर जाए। ओके, आई थिंक शी हैज एलर्जी विथ एवोकाडो। इलाज हो जाने के बाद निमिषा होश में आ गई। आप मुझे हॉस्पिटल ले आए? क्यों, मैं तो ठीक हो जाती घर पे ही। निमिषा, तुम्हें एवोकाडो से एलर्जी है तो तुम पहले क्यों नहीं बताई? क्या एवोकाडो? वो क्या है? बहू, मैंने तुम्हें जो जूस दिया था वो एवोकाडो जूस ही था, और मैंने तुम्हें बताया भी था, है ना? मुझे तो पता ही नहीं कि एवोकाडो क्या होता है। अरे, एवोकाडो मतलब वो क्या कहते हैं हिंदी में, मक्खन फल। ओह, मक्खन फल। मैं बचपन में एक बार खाई थी तो मुझे बहुत उल्टी हुई, फिर डॉक्टर साहब मुझे हमेशा के लिए वो फल खाने से मना कर दिए थे, तब से मैं नहीं खा रही थी। बहू, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मक्खन फल को एवोकाडो कहते हैं? हाँ माँ जी, पता है ना, मैं भूल गई थी। अब मुझे तेरे बातों पे यकीन होने लगा है सौम्या, शायद निमिषा पढ़ी लिखी नहीं है। मॉम, ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गया। हमारे खानदान में सब इतने पढ़े लिखे और ये एक गवार हमें झूठ बोल के इस घर की बहू बन के आ गई है। अब क्या करें, इसके साथ तो रहना भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। पता नहीं मैंने इसके बातों पे कैसे यकीन कर लिया, अब मेरे बेटे की लाइफ तो इसके साथ रह के बर्बाद हो जाएगी। मॉम, डोंट वरी, एक काम करते हैं, ताकि ये अपने मुंह से ही ये बात मान ले कि झूठ बोल के शादी की है भैया से, और फिर भैया को बोलेंगे इसे डिवोर्स देके एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ दूसरी शादी कर ले। यही सही रहेगा। बता, क्या प्लान सोचा है तूने? सौम्या ने अपनी अनपढ़ भाभी को घर से भगाने के लिए एक अच्छी तरकीब निकाली। फिर एक दिन, सौम्या ने बोला कि आज मुझे देखने उसके सहेलियां घर पे आएंगे, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना है। खाना तो मैं बना दूंगी, पर वो मुझसे कुछ अंग्रेजी में पूछ लिए तो मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे जवाब दूंगी? ये सौम्या और सासू माँ तो आते जाते हर बात पे अंग्रेजी ही बोलते हैं, अब वो लड़कियां पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगी मुझसे। शाम होते ही सौम्या के सहेलियां घर पहुंचे। सबके सब मॉडर्न और काफी पढ़े लिखे लग रहे थे। निमिषा तो उन्हें देख के पहले से ही डर गई थी। हाय भाभी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। शुक्रिया। बाय द वे, वेयर डिड यू गेट दिस ड्रेस? ड्रेस? ये ड्रेस तो मुझे भी बहुत पसंद है, पूरे 3,000 का है। ओह ओके। भाभी, व्हाट वाज योर ऑनर्स इन ग्रेजुएशन? यस, ग्रेजुएशन भी मैंने किया है, बहुत मजा आया था कॉलेज में। आप लोगों को देख के कॉलेज की याद आ गई मुझे। ओके, इन विच ईयर डिड यू पास योर ग्रेजुएशन? हाँ, वही तो, ग्रेजुएशन के टाइम कॉलेज में कितना मजा आता है ना? भाभी, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो सीधा सीधा बोलो ना, इतना एक्टिंग क्यों कर रही हो? एक तो हमसे झूठ बोल के शादी करके आ गई हो इस घर में, और अब मेरे फ्रेंड्स के सामने नाक मत कटवाओ हमारा। सौम्या, वो एक्चुअली। क्या सौम्या, एक्चुअली? सच सच बोलो, कितना पढ़ाई की हो तुम? मैं 8वीं तक ही पढ़ी हूँ।
और मैंने झूठ इसीलिए बोला था ताकि मैं ससुराल आने के बाद ताकि तुम ससुराल आने के बाद हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सको। स्टूपिड। OMG, आठवीं तक? यू मीन 8th स्टैंडर्ड? अरे हमारी नौकरानी तो ग्रेजुएशन की है, वो भी पॉलिटिकल साइंस में। सौम्या, तेरी भाभी को गलती से भी तेरे होने वाले ससुराल वालों से मत मिला देना। दे विल जज यू एंड योर फैमिली फॉर श्योर। बाप रे, तुम सब इस आठवीं एजुकेटेड के साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? आई एम सरप्राइज्ड। पहले इंग्लिश में बोलते होंगे और फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता होगा, है ना? अमृत, अब निमिषा को उसके घर पे छोड़ आओ। हम एक आठवीं पास लड़की को बहू बना के इस घर में नहीं रख सकते। आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। भैया, भाभी आज सबके सामने ये बात मान ली है कि वो बस आठवीं तक ही पढ़ी हैं और हम सबसे झूठ बोल के इस घर में आ गई हैं। क्या? हाँ भैया, अगर आपको उनके साथ रहना है तो रहिए, पर मॉम और मैं इस अनपढ़ को और टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो निमिषा को आज ही उसके घर वापस भेज दूंगा। मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। हाँ, सौम्या और माँ जी ने आपसे जो भी सब कहा वो सच है, पर आप तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अब सुनने सुनाने को रह क्या गया है निमिषा, बेहतर होगा कि तुम तुम्हारे घर वापस चली जाओ। हाँ चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आप किसी पढ़ी लिखी लड़की जो बातों बातों में अंग्रेजी बोलती फिरे उसी से दूसरी शादी कर लेना। पर जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इस सब में मेरा सिर्फ एक ही कसूर है कि मैंने झूठ बोल के शादी किया है। जब मैं आठवीं पास की तो पापा ने जबरदस्ती मेरी पढ़ाई बंद कर दी क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, ज्यादा पढ़ लिख लूंगी तो बिगड़ जाऊंगी। पर मैं तो पढ़ना चाहती थी ना, सबको समझाने की बहुत कोशिश की पर मेरा किसी ने नहीं सुना। तो तुम क्या कहना चाहती हो, कि हम तुम्हें चुपचाप बर्दाश्त करें और जिंदगी भर हर एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करते रहें? नहीं, पर मुझे आगे पढ़ा तो सकते हैं ना, मैंने जो नहीं सीखा है उसे सिखा तो सकते हैं ना। इस उम्र में? उम्र का क्या है, मैंने ये सुना है कि कुछ नया शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। देखो निमिषा, मॉम और सौम्या बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, वो तुम्हें कभी भी यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो क्या, मैं जैसे बोलता हूँ तुम वैसे ही करती जाओ। पर माँ जी और सौम्या? तुम उनकी चिंता मत करो, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है। मुझे कौन पढ़ाएगा, माँ पापा तो कभी नहीं मानेंगे और अब मैं रहूंगी कहाँ? ओहो, तुम इतना क्यों सोच रही हो, तुम्हें आगे की पढ़ाई करने का मन है, इतना ही काफी है। सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जा जाओ, और नाटक करके फिर से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, बहुत झेल लिए तुम जैसी अनपढ़ गवार को। मेरे दोस्तों के सामने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही इनके कारण, ज्यादा दिन यहाँ पे रही तो मेरी शादी टूट जाएगी। भैया, इसे जल्दी ले जाओ यहाँ से। चलो निमिषा, चलो। ओहो बला टली। हाँ मॉम, आई एम सो हैप्पी नाउ। आपको तो मैंने सुबह बताया ही था, निमिषा का कॉल आया था और वो बोल रही थी कि सबको वहाँ पे पता चल गया है कि वो सिर्फ आठवीं तक ही पढ़ी है, और बोल रही थी कि सबका बर्ताव उसके साथ बुरा होते जा रहा है। तो क्या हो गया, अब वो घर उसी का ही है, ससुराल वाले तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो क्या हर एक बात मायके तक पहुँचा के सबको परेशान करना सही बात है? थोड़ा बर्दाश्त कर लेगी तो सब ठीक हो जाएगा बाद में। पर हमारी बेटी? बेटी ही है ना, झेलना पड़ेगा उसे, उसके नसीब में जो लिखा होगा वही सब होगा उसके साथ। बाकी अगर तुम सोच रही हो कि उसे ससुराल वाले घर से निकाल दिए
तो मैं उसे यहाँ पे रहने दूंगा तो ये हरगिज नहीं होने वाला। बिरादरी में इज्जत क्या रह जाएगी हमारी? बेटी ब्याह दे दिए तो हमारा टेंशन गया, अब भूल जाओ उसे। वाह क्या विचार है, बेटी पैदा करके एहसान कर दिए हैं जो उसे बचपन में पढ़ाई करने नहीं दिए, शादी करवा के अपने सर का बोझ हल्का कर दिए, और अब जब बेटी अपनी परेशानी बता रही है तो उसे अवॉइड किया जा रहा है। खैर अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी एक कॉलेज की दोस्त है और वो लेक्चरर भी है, तुम्हें आगे की पढ़ाई करने वो तुम्हारी मदद करेगी। पर वो मेरी मदद क्यों करेंगी? वो मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मुझे किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं करती। तुम उसके साथ रह के अच्छे से अपनी टेंथ की प्रिपरेशन कर सकती हो, और तुम उसके घर पे रहोगी तो इस बारे में और किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। अच्छा तो अमृत, तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ अब मेरे पास रहकर आगे की पढ़ाई करे? हाँ, क्योंकि मैं इस वक्त और किसी पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता सोनिया। अरे कोई बात नहीं, ये सोनिया तुम्हारी मदद करने हमेशा तैयार है। थैंक यू सो मच। निमिषा उसी दिन से सोनिया के पास रहकर अपनी टेंथ की प्रिपरेशन करने लगी। सोनिया उसे पढ़ाई में मदद तो करती थी, पर सोनिया के बिहेवियर में कुछ तो और था जो निमिषा को दिन ब दिन परेशानी में डालने लगा। पता नहीं ये सोनिया हमेशा मेरे साथ अजीब बिहेव क्यों करती है। निमिषा क्या कर रही हो? पढ़ाई करने बैठी थी। क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम्हें यकीन है कि तुम टेंथ पास कर लोगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, पर माँ पापा मुझे... हाँ हाँ वो स्टोरी तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में शादी के बाद तुमसे पढ़ाई लिखाई सही से हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे किसी भी हाल में उनके भरोसे पे खरा उतरना है, इसीलिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी। ओके वैसे चलो आज एक मूवी देखते हैं, पढ़ाई रहने दो। नहीं नहीं आप जाकर मूवी देखिए ना, मैं तो पढ़ाई करूंगी। अरे कमॉन यार इतना स्ट्रेस मत लो, टेंथ एग्जाम बहुत इजी है, तुम कर लोगी। निमिषा को पढ़ने का बहुत मन था, पर सोनिया उसे हमेशा ही पढ़ाई से भटका के मूवी देखना, शॉपिंग पे जाना, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज लेना, इसी सब में बिजी रखने की पूरी कोशिश करती रही। फिर एक दिन, अमृत जी मेरी पढ़ाई कुछ खास नहीं चल रही यहाँ पे, आपको पता है सोनिया? मुझे सब पता है, सोनिया तुम्हारी बहुत ख्याल रखती है और तुम सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हो। आपको ऐसे किसने कहा? सोनिया ने? हाँ सोनिया तो मेरे साथ रोज कम से कम 10 बार बात करती है, सब कुछ बताती है तुम्हारे बारे में। तुम शॉपिंग पे जाना कितना पसंद करती हो, मूवी देखना तुम्हें बहुत पसंद है, और बाकी सब कुछ। पर ये सब तो वो मुझे खुद... ध्यान दो पढ़ाई पे निमिषा, नहीं तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। ओके? अमृत बेटा, उस गवार निमिषा को यहाँ से गए महीनों हो गए हैं, अब तुम दूसरी लड़की देखना शुरू कर दो। मैं भी अपने तरफ से कोशिश जारी रखी हूँ, हो सके तो हम इसी साल तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। मॉम निमिषा अभी अपनी मायके में है, पर मैं इतनी जल्दी उससे डिवोर्स नहीं ले सकता, क्योंकि शादी को जब तक 1 ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक लीगली डिवोर्स लेना भी नामुमकिन है। तो ठीक है, फाइंड अ गर्ल एंड स्टार्ट डेटिंग हर। पता नहीं आजकल कितना झूठ बोल के शादी कर लेती हैं लड़कियां। एटलीस्ट पहले से डेट किए तो लड़की के बारे में सब कुछ पता तो रहेगा। भैया मेरी एक फ्रेंड है सलोनी, शी इज वेरी गुड लुकिंग एंड वर्किंग ऑल्सो, अगर आप कहें तो मैं बात करूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज।
अमृत अपनी मॉम और बहन को हर बार कोई ना कोई बहाना देकर शादी की बात को टाल देता था। और उधर सोनिया के घर पे निमिषा, पता नहीं सोनिया किसके साथ तब से बात कर रही है, मुझे मैथ्स में डाउट है और वो पिछले 2 घंटे से बिजी है, हमेशा ही मुझे इग्नोर करती रहती है। जब भी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछूं तो फिल्म के बारे में बात करना शुरू कर देती है। जाकर देखती हूँ वो सच में बिजी है या नाटक कर रही है। निमिषा चल के सोनिया के कमरे के बाहर पहुंच गई। वो 10th पास कर लेगी, वो भी यहाँ पे रह के, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अमृत मेरा था और हमेशा रहेगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बहुत बड़ी गलती कर दिया वो, जो अपनी पत्नी को मेरे भरोसे छोड़ गया है। मैं तो इस निमिषा को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हे भगवान, इसका मतलब ये सोनिया मुझे जानबूझकर 10th में फेल करवाना चाहती है ताकि मेरे पति मुझे छोड़ दे और इससे शादी कर ले। मैं भी गांव से पली भड़ी हूँ, इतनी जल्दी हार मान लूँ ये तो हरगिज नहीं हो सकता। पर क्या पता अमृत जी अगर इससे चाहते होंगे तो, और इसके साथ मिलके मुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने का प्लान बना रहे होंगे तो। सोनिया का मोटिव जानने के बाद से निमिषा बहुत परेशान रहने लगी। आखिर वो जिस रिलेशनशिप को बचाने इतनी मेहनत कर रही थी उसे सोनिया पूरी तरह से खत्म करने कोई कसर नहीं छोड़ रही। फिर एक दिन, और निमिषा पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? अरे बहुत बढ़िया चल रही है, निमिषा तो 1st क्लास में पास होगी, देखना तुम। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सोनिया मेरी कितनी मदद करते हैं, एक सच्चे दोस्त की तरह हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। अमृत जी देखना, आप सोनिया की गाइडेंस से मैं जरूर 10th पास कर लूंगी और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, है ना सोनिया? हाँ 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 ऑफ कोर्स। अमृत जी, सोनिया मुझे रोज बाहर घूमने बुलाते हैं पर मैं पढ़ाई के चलते नहीं जा पाती, क्योंकि आपके भरोसे पे खराजो उतरना है मुझे। अरे ऐसे हमेशा पढ़ाई करती रहोगी तो प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अब आप बुला रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, चलिए अभी चलते हैं। बाय सोनिया, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। ये गवार तो अमृत को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह से फंसा के रखी है, पर जो भी हो जाए मैं इसे 10th पास होने ही नहीं दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अमृत जी, माँ जी और सौम्या कैसे हैं? क्या वो दोनों सच में मुझे भुला दिए? हाँ कुछ ऐसा ही मान लो। और आप? अब तो हम दोनों एक साथ नहीं रहते और कुछ दिनों में आप भी शायद मुझे भुला देंगे, नहीं? अरे पगली ऐसे क्यों बोल रही हो, अगर तुम्हें भुलाना ही था तो मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई करने यहाँ सोनिया के घर पे रहने का बंदोबस्त क्यों करता, बताओ। अच्छा एक बात बताइए, क्या सोनिया आपको पसंद करती है? क्यों, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था हमारे बीच। नहीं वो क्या है ना, गांव की लड़की हूँ, लड़का लड़की में दोस्ती देख के यही सब दिमाग में आ जाता है पहले। खैर अब मुझे यकीन हो गया कि आप बस मुझसे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है अमृत के दिमाग में, 8 महीने हो चुके हैं पर वो निमिषा को डिवोर्स देने के बारे में एक बार भी बात नहीं कर रहा। मॉम मुझे तो लगता है भैया अब भी निमिषा से मिलते रहते हैं, क्योंकि जब से निमिषा घर छोड़ के गई है तब से भैया रोज जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं और शाम को लेट घर वापस आते हैं। मैंने भी नोटिस किया है, एक काम करती हूँ सीधा निमिषा के घर पे कॉल लगाती हूँ, सच सामने आ ही जाएगा। इतना परेशान क्यों हो, क्या तुम्हारी बेटी तुम्हें कॉल नहीं करती आजकल?
कैसे करेगी कॉल मुझे? आपने तो उसे घर वापस आने से मना कर दिए। अब बेटी की मुसीबत के समय हम उसके साथ खड़ा नहीं हो पाए, फिर वो क्यों हमारे साथ अब बातचीत करेगी? पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बेटी। ठीक ही होगी, अब उसकी चिंता छोड़ो। शादी करवा दिए हैं उसका, अब वो जाने और उसके ससुराल वाले जाने, उन्हें उसे कैसे संभालना है। अरे ये तो निमिषा के सास का नंबर है। हेलो। और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करके बहुत खुश होंगे ना आप? हमें उस सब के बारे में नहीं पता। जब बहू बना के लेके गए थे निमिषा को, तब क्यों कुछ पता नहीं किए? अब हम उसे घर वापस नहीं लाने वाले। क्या, तो आपकी बेटी आपके पास नहीं है? क्या मतलब है इस बात का? क्या वो वहाँ पे नहीं रहती? 8 महीने हो गए आपकी बेटी को हमारा घर छोड़े, पता नहीं किसके साथ है अब। क्या क्या बात है, बोलिए ना कुछ। क्या निमिषा ससुराल छोड़ दी है? हाँ, हमारा मुंह काला करके ससुराल से कहीं भाग गई है वो, अब पता नहीं किसके साथ रहती है। क्या, ऐसा कैसे कर सकती है वो? हमारे परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर ली? देखा मॉम, अब तो हम कंफर्म हो गए कि भैया निमिषा को कहीं छुपा के रखे हैं और रोज उसी से ही मिलने जाते हैं। अब मैं भी एक तरकीब निकालती हूँ। अमृत की शादी हम उसी की दोस्त सोनिया के साथ पक्की करेंगे। सोनिया तो अमृत को बहुत चाहती थी, अब अमृत भी मना नहीं कर पाएगा। हाँ मॉम, सोनिया बहुत एजुकेटेड है और किसी कॉलेज में लेक्चरर भी। उसी से शादी करवाएंगे तो हमारी फैमिली की इज्जत भी बढ़ जाएगी। एक तरफ सोनिया चाहती है कि मैं पढ़ाई से भटक जाऊं और फेल हो जाऊं, ताकि मेरे पति के साथ वो शादी कर ले, और दूसरी तरफ मेरे पति और मैं दोनों चाहते हैं कि मेरी आगे की पढ़ाई अच्छे से हो और हम दोनों जिंदगी भर एक साथ रहें। अब शायद मुझे सोनिया के खेल में शामिल होकर उसे ही हराना होगा। मैं भी देखती हूँ मुझे मेरे पति से कौन अलग करता है। अरे तुम्हें अभी तक नहीं पता था, निमिषा मेरे पास पिछले 9 महीने से है। पर सौम्या, अमृत को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें निमिषा के बारे में बता दिया है। प्लीज उसकी चिंता मत करो सोनिया, बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वो किसी भी हाल में 10th पास ना कर पाए। मेरे पे भरोसा रखो, वो तो पक्का फेल होगी। इस उम्र में पढ़ाई, अगले महीने एग्जाम है, तुम खुद ही रिजल्ट देख लेना। लगता है सोनिया और सौम्या का प्लान एकदम सेट है, पर जहाँ पे सच्चा प्यार और कड़ी मेहनत और लगन है, उससे कोई कैसे जीत सकता है? निमिषा, निमिषा, क्या बात है, तुम पढ़ाई छोड़ के आज मोबाइल देख रही हो? हाँ, एक्चुअली मोबाइल में एक नया गेम खेल रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। आपको खेलना है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम खेलो ना, थोड़ा टाइम पास करना भी जरूरी है। मैं चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। ये और 10th पास करेगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है सोनिया जी। निमिषा का एग्जाम डेट ऑलमोस्ट नजदीक आ चुका था, पर आजकल निमिषा पढ़ाई छोड़कर हर रोज कहीं बाहर घूमने निकल जाती थी। वैसे सोनिया तो खुश थी इस बात से कि निमिषा का ध्यान पढ़ाई से हट चुका है, फिर भी फॉर्मेलिटी करने एक बार उससे पूछ ही ली आखिर में। निमिषा, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ सोनिया, मेरी दोस्त से मिलने। पता है आपको, हम आजकल रोज मिलते हैं, बहुत मजे करते हैं। हाँ हाँ, मैं तो देख ही रही हूँ कि तुम रोज घर से निकल जाती हो फिर शाम को वापस आती हो। क्या बात है, पढ़ाई नहीं कर रही आजकल? वो क्या है ना, पढ़ाई करने को मन नहीं करता। इस उम्र में शादी के बाद पढ़ाई करने का मन किसको होता है भला, आप ही सोचिए ना। यस ट्रू। वैसे तुम्हारा पति अमृत तुमसे बहुत प्यार करता है।
तुम इस एग्जाम में पास हो या फिर ना हो, फिर भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं होने वाला। इसीलिए तुम जाओ, अपने लाइफ को एंजॉय करो। मैं भी ठीक यही सोच रही थी, चलती हूँ, बाय बाय। पागल औरत, तू ऐसे ही घूमती रहे और तेरे पति को मैं जल्द ही अपना पति बना लूंगी। सोनिया, मैंने कभी मना नहीं किया कि तुम्हारी शादी अमृत के साथ ना हो, और सौम्या तो शुरू से चाहती थी। तुम जैसी एक हाईली एजुकेटेड लड़की ही हमारे घर की बहू बनी, पर अमृत वो तो हर बार बस यही बोलता रहा कि सोनिया मेरी एक अच्छी दोस्त है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए हमें उसकी शादी दूसरी जगह पक्की करनी पड़ी, उस गवार निमिषा के साथ। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो अब भी अमृत को उतना ही चाहती हूँ जितना पहले चाहती थी। ये हुई ना बात, मैं भैया को इस शादी के लिए मना लूंगी। पर सोनिया, तुम्हें किसी भी तरह निमिषा को भैया के जिंदगी से हमेशा के लिए हटाना होगा। वो तो वैसे भी अमृत की लाइफ से हमेशा के लिए हटने वाली है, क्योंकि ये बेचारा उस पर यकीन करके बैठा है कि निमिषा एटलीस्ट 10th पास कर लेगी। पर निमिषा तो सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है, पढ़ाई का कोई नामो निशान ही नहीं, ऊपर से रात रात भर मोबाइल में गेम खेलती रहती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और बस एक महीना वो एग्जाम में फेल हो जाए, फिर तभी हम अमृत को तुम्हारे साथ शादी करने मना ही लेंगे। क्यों ऐसे दुखी होकर बैठी रहती हो? निमिषा जिसके साथ ससुराल छोड़ के भाग गई है उसी के साथ मजे से रहती होगी, अब हमें उसके बारे में क्यों सोचना? कैसे ना सोचूं? मेरी बेटी हमेशा से पढ़ाई करना चाहती थी, पर हम दोनों ने उसे पढ़ने नहीं दिया, और आज उसी पढ़ाई के कारण उसके ससुराल वाले उसे पराए कर दिए, और वो पता नहीं कहाँ चली गई, किस हालत में होगी अब। जैसे भी होगी ठीक होगी। आप चुप कीजिए, ये सब कुछ आपके कारण हुआ है। हाँ, निमिषा की माँ बेटी के लिए बहुत परेशान थी। निमिषा भी घर वालों से बात करना कब से बंद कर दी थी, क्योंकि उसके इस हालत का जिम्मेदार तो उसके घर वाले ही हैं। फिर एक दिन निमिषा की माँ की नजर पड़ी निमिषा की गांव की एक सहेली टीना के ऊपर। टीना बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं वैसे ठीक तो हूँ, पर बहुत परेशान हूँ। निमिषा के साथ पिछले कई महीनों से कोई बातचीत नहीं हो पाई। उसके ससुराल वाले कहते हैं कि वो वहाँ पे नहीं रहती। बेटी, क्या वो तुमसे या फिर तुम्हारे किसी दोस्त से बात करती है? मुझे बस इतना जानना था कि वो जहाँ भी है सही सलामत है। आंटी, निमिषा बच्ची थोड़ी है, जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। आपको जब उसके पढ़ाई के बारे में सोचना था तब तो आप उसे घर पे बिठा दिए, चूल्हा चौकी सिखाने लगे। अब उसके हालत के बारे में सोच के क्या फायदा? ऐसे मत कहो बेटी, मुझे पता है ये सब हमारी गलती है, पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी घर वापस आ जाए, आगे की पढ़ाई करे, हमारे साथ रहे। आंटी मैं चलती हूँ, ऑफिस का टाइम हो रहा है, देखती हूँ अगर निमिषा के बारे में कुछ पता चले तो बता दूंगी आपको। कब बताओगी बेटी? मैं तो बस संडे को ही घर आती हूँ, बाकी मैंने तो ऑफिस के पास ही एक घर खरीद लिया है, वहीं पर रहती हूँ आजकल। ठीक है, निमिषा के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना, भूलना मत बेटी। आंटी बहुत परेशान थी निमिषा, तुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए। नहीं टीना, जब तक मैं अपने मुकाम तक पहुँच ना जाऊँ तब तक मैं मेरे पति के अलावा और किसी से भी बात नहीं करने वाली। ये भी ठीक है, तुझे सोनिया को हराना है निमिषा, ये भूलना मत। हरगिज नहीं भूलूंगी मैं, उसका मोटिव जानने के बाद तो मैं सीधा तेरे पास आ गई यहाँ पे पढ़ाई करने, और पता नहीं अगर तू मेरी मदद नहीं करती तो आज क्या होता मेरे साथ। सब कुछ अच्छा है और आगे और भी अच्छा होगा, ज्यादा सेंटी मत बन, जा अब पढ़ाई कर, कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। निमिषा टीना के घर पे 10th एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, और वहाँ सोनिया को लगता था कि निमिषा कहीं बाहर घूम फिर के मजे कर रही होगी।
देखते ही देखते निमिषा का 10th एग्जाम खत्म हो गया। अमृत बेटा, अब तो 1 साल होने वाला है, मैं एक लॉयर से बात कर चुकी हूँ, वो जल्द ही तुम्हारा निमिषा के साथ डिवोर्स करवा देगा, फिर तुम सोनिया से शादी कर लेना। सौम्या और मैं दोनों पसंद करते हैं सोनिया को। सोनिया से? अचानक सोनिया से शादी की बात कहाँ से आ गई मॉम? भैया, सोनिया निमिषा से हर चीज में बेहतर है। इनफैक्ट सोनिया से आप शादी कर लेंगे तो हमारे खानदान की इज्जत भी बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं और मॉम सोनिया के साथ बात कर लिए हैं। अब आप भी आपका मन बना लीजिए। कुछ भी। अमृत उसके मॉम और बहन की बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और सीधा निमिषा से मिलने सोनिया के घर पहुँचता है। चलो, अच्छी बात यह है कि आखिर वो दिन आ ही गया जब निमिषा अमृत को कितना चाहती है उसका प्रूफ देगी। मुझे यकीन है निमिषा जरूर अच्छे मार्क्स से पास होगी। पढ़ाई की होगी तभी ना। तुम टेंशन में रहोगे इसीलिए तुम्हें कभी बताया नहीं मैंने। एक्चुअली तुम्हारी पत्नी निमिषा सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने यहाँ से निकल जाती है और रात को घर वापस आके मोबाइल में गेम खेलती रहती है। वो तुम्हारे लायक ही नहीं है अमृत, अब उसके पीछे अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करो। निमिषा मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी? आने दो उसे, अगर उसका रिजल्ट खराब होगा तो सीधा वो अपने मायके जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। कुछ ही देर में निमिषा सोनिया के घर आ जाती है। अमृत जी, आप, मुझे पता था आप जरूर आ गए होंगे, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मैं फर्स्ट क्लास में पास की हूँ, पूरे 82% स्कोर की हूँ। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस निमिषा, अब चलो सामान पैक करो और घर चलो मेरे साथ। फर्स्ट क्लास में पास? तुम? जी सोनिया जी, आप मुझे फेल करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी जो मुझे वक्त रहते समझ आ गया था, इसीलिए मैं रोज अपने दोस्त टीना के घर पे पढ़ाई करने चली जाती थी। बस इतना ही नहीं, मेरे मॉम और बहन को बहला फुसला के मुझसे शादी करने की जो प्लान बनाई थी तुम, वो सब भी मुझे पहले से समझ आ चुका था। निमिषा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दी थी। अमृत बिना देर किए अपनी पत्नी निमिषा को पूरी इज्जत के साथ उसके घर वापस ले गया। 10th पास कर ली तो क्या हो गया, इतना सफिशिएंट नहीं होता। मॉम, इस उम्र में पूरी लगन के साथ पढ़ाई करके 10th पास कर ली है निमिषा ने, तो आगे की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर लेगी, उसे बस हमारी सपोर्ट की जरूरत है। और आप तो स्कूल में टीचर थी, फिर आप कैसे किसी स्टूडेंट का हाथ छोड़ सकती हैं? इस सब में आपको निमिषा की मदद करनी चाहिए। हाँ माँ जी, आप और सौम्या मेरे साथ खड़े रहेंगे तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। निमिषा का डिटर्मिनेशन देख के उसकी सास और ननंद दोनों उसे फिर से अपना लिए। कुछ सालों में निमिषा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अनाथ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी। अब तो निमिषा के नेकी के कारण उसके माँ पापा का सर भी ऊंचा हो गया था। निमिषा के पापा अब हर जगह अपना सीना ठान के बोलते थे कि निमिषा मेरी बेटी है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए जिंदगी में, कभी हार मत मानना मेरे दोस्तों, क्योंकि पूरी लगन और निष्ठा हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।